जंग से भाई सलमान फरीद साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं कि मुफ्ती साहब, हमने ये पूछना है कि जिस औरत का खावंद फौत हो जाए तो इसकी इद्दत कितनी होती है? अगर कोई शख्स चांद की पहली तारीख को फौत हो तो इद्दत चांद के हिसाब से पूरी करे या दिनों की गिनती के अतबार से? क्योंकि बाज़ महीने 29 दिन के भी होते हैं। अगर चांद 29 का हो तो इस सूरत में क्या किया जाए? सलमान फरीद। देखिए भाई, सलमान फरीद साहब, अगर किसी औरत का खावंद चांद की पहली तारीख को फौत होता है तो ये औरत 4 चांद और 5वें चांद के 10 दिन गुजारे, बेशक ये चांद 29 के हों या 30 के हों। जब एक चांद पूरा गुजर गया तो एक महीना शुमार होगा, बेशक वो 29 दिन का हो या 30 दिन का। इसलिए इस खातून के लिए हुक्म ये है कि ये 4 महीने और 10 दिन चांद के एतबार से पूरे कर ले। अलबत्ता अगर ये इसका खावंद चांद की पहली तारीख को फौत ना हुआ होता तो इस सूरत में फिर 30 दिन के महीने लगाकर 4 महीने 10 दिन यानी टोटल 130 दिन पूरे करने होते। तो लिहाजा जो आपने मसला पूछा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।